गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स स्टूडेंट, आज सिक्स स्टूडेंट, आज मैं आपको जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर चैप्टर टू का ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इसके बारे में रीड करूँगी। ग्लोब के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, इक्वेटर क्या होती है जो ग्लोब को दो भागों में डिवाइड करती है, दो पोल पाए जाते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब इसके बाद पढ़ेंगे इसमें बहुत सारी रेखाएं पाई जाती है जो डिग्रीज के हिसाब से चलती है, इसको अपन बोलेंगे लैटिट्यूड्स, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अब अपन पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट पैरेलल कौन कौन से रहते हैं। चार इम्पोर्टेंट पैरेलल्स रहते हैं इक्वेटर से लेके नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। देयर आर फोर इम्पोर्टेंट पैरेलल, मतलब नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इक्वेटर, इसके बीच में चार अपने को क्या मिलते हैं पैरेलल्स मिलते हैं। सबसे पहला आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंकर, ये कहाँ पाया जाता है 23.5 डिग्री नॉर्थन हेमिस्फीयर। जो नॉर्थ हेमिस्फीयर होता है, ये देखो ये जो नॉर्थ पोल रहता है उसके 23 डिग्री पे आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंकर पाया जाता है। ये वाला डायग्राम आप ड्रॉ करोगे तो आपको समझ जाएगा। सेकेंड आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके नीचे जो साउथन हेमिस्फीयर होता है उसी के 23.5 डिग्री पे साउथन हेमिस्फीयर पाया जाता है, क्योंकि आपको ग्लोब के ऊपर के पार्ट को अपन नॉर्थ कहते हैं, नीचे के पार्ट को साउथ कहते हैं। तो जो इक्वेटर होता है उसके नॉर्थन पार्ट पे 23.5 डिग्री पे क्या पाया जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंकर, और नीचे वाले पार्ट पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पाया जाता है। फिर और नीचे आ जाओ आर्कटिक सर्कल, ये कहाँ पाया जाता है, ये नॉर्थ में पाया जाता है इक्वेटर के नॉर्थ पे। कितने डिग्री में पाया जाता है 66.5, इसके डबल, ठीक है, इससे भी थोड़ा सा और ज्यादा 66.5 डिग्री पे नॉर्थ पे इक्वेटर पे क्या पाया जाता है अपना आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल के बाद आएगा एंटार्कटिक, एंटार्कटिक कहाँ पाया जाता है साउथ पे, वो कितने डिग्री पे 66.5 डिग्री पे। तो आपको इंपॉर्टेंट पैरेलल कितने होते, चार होते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंकर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल और एंटार्कटिक सर्कल। ट्रॉपिक ऑफ कैंकर 23.5 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर में पाया जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ हेमिस्फीयर में पाया जाता है, एंटार्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ में पाया जाता है इक्वेटर के, और 66.5 पे साउथ पे एंटार्कटिक सर्कल पाया जाता है। अब इसमें कितने जोन रहते हैं, ये जैसे जैसे सूरज के सामने आते हैं वैसे इसमें कितने जोन पाए जाते हैं 3 जोन। कितने जोन आते हैं, हीट जोन, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रीजर जोन। इसके बारे में और पढ़ लेंगे, कल मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, आज थोड़ा सा इसका इंट्रो ले लेते हैं। मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड, जो मिड जो सूरज जो 12 बजे के टाइम पे मिड डे पे क्या होता है ज़्यादा गर्म पाया जाता है, जैसे कि सामने एकदम रोशनी पड़ती है, किस पे रोशनी पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंकर और कैप्रिकॉर्न के बीच में, मतलब जो सन रहता है इसके बीच में ज़्यादा इस पर रोशनी आती है, जो मतलब अर्थ का ये भाग सामने ज़्यादा पाया जाता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंकर और कैप्रिकॉर्न को क्या बोलते हैं अपन, टॉरिड जोन बोलते हैं, मतलब यहाँ पे ज़्यादा हीट पाई जाती है। अब जैसे सन आगे बढ़ेगा, दिन आगे बढ़ेगा, मिड डे के आगे 1, 2, 3, 4 आगे आगे समय जाएगा, तो क्या हो जाएगा सन थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, ये देखो, ठीक है, सन की जो रोशनी होती है वो थोड़ी सी अपने को टिल्ट होके दिखती है। तो ये रोशनी कहाँ पाई जाती है, नॉर्थन हेमिस्फीयर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंटार्कटिक सर्कल, साउथन हेमिस्फीयर, मतलब इन दोनों चीज को अपन टेम्परेट जोन बोलते हैं। ये देखो यहाँ आप देखोगे टेम्परेट जोन कहाँ रहता है, टेम्परेट जोन आपका यहाँ पे पाया जाता है, टॉरिड जोन रहता है और टेम्परेट जोन आपका नीचे पाया जाता है साउथ और नॉर्थ में। थोड़ा सा टिल्ट हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंकर और आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंटार्कटिक सर्कल के बीच में, किस किस के बीच में, कैंकर और एंटार्कटिक और कैप्रिकॉर्न और आर्कटिक, इन दोनों के बीच में जो हीट जोन आता है उसे अपन क्या बोलेंगे टेम्परेट जोन बोलेंगे। फिर लास्ट है फ्रीजर जोन, फ्रीजर जोन सन थोड़ा सा रात में गया, रात का माहौल क्या हो जाता है ठंडा हो जाता है। तो ये दोनों सर्कल पे पाया जाता है, एक आर्कटिक और एंटार्कटिक सर्कल, जो अपने नॉर्थ और साउथ पे रहते हैं, ठीक है।
नॉर्थ पोल के नॉर्थन हेमिस्फीयर और साउथ पोल के साउथन हेमिस्फीयर। इसमें कौन कौन से सर्कल पाए जाते हैं? एंटार्कटिक और आर्कटिक, मतलब जो गोलाई है उसके लास्ट में। एंटार्कटिक और आर्कटिक इन दोनों में क्या पाया जाता है? फ्रीजिड जोन। बीच में टेम्परेट, फिर और ऊपर टेम्परेट, और लास्ट में क्या पाया जाता है? फ्रीजिड। अगर आप गोले में इस तरीके से देखेंगे तो ऊपर फ्रीजिड, फिर आएगा टेम्परेट, और बीच में क्या आएगा? टोरिड। ठीक है, ये सन के हिसाब से इसमें रोशनी पड़ती है सामने वाले पार्ट पे, तो इस तरीके से ये तीन जोन अपने हिट के रहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल अपन पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड क्या होगा। तो आपको चार जोन याद करना है, सॉरी चार पैरेलल याद करना है, तीन जोन पाए जाते हैं।